हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अड्डा 247। और दिस इज़ सोनू। और मैंने IBPS PU एग्जामिनेशन रिसेंटली क्रैक किया है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ करंट अफेयर। आज की क्लास में मैंने जो आपके करंट अफेयर क्वेश्चन रखे हैं वो प्रीवियस 2 दिन के हैं, यानी 15-16 में जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए थे उससे रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में कवर कर लिए हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन साथ साथ क्लास के साथ अटैम्प्ट करना है और लास्ट में आपको बताना है कि कितने जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आप ठीक कर पाए हो, ठीक है? तो आपको अपना जो स्कोर कार्ड है वो कमेंट करके मुझे बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये मैंने स्लाइड में पूरा इंग्लिश में रखा है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, सो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ड्यूरिंग 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव। ओके, सो आपसे पूछा जा रहा है 4th इनोवेशन कॉन्क्लेव जो हुआ था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो इनमें से ABCD ऑप्शन में से किनको दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर ऐसा सबमिट होता है, कोई भी कॉन्क्लेव होता है, फर्स्ट थिंग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसका वेन्यू है, ठीक है? सो अगर आपको आपसे यहाँ पर वेन्यू पूछा जाएगा तो आप मोहाली बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अजय कुमार सिंह, ठीक है? सो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अजय कुमार सिंह जो है उनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कहाँ पर? 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव में, जिसका वेन्यू क्या था? मोहाली, ठीक है? सो मोहाली में जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो इसका वेन्यू रहा था। अजय कुमार सिंह जो हैं वो हैं DRDO के लाइफ साइंसेज के हेड, ठीक है? सो आपको याद रख लेना है, DRDO के लाइफ साइंसेज के लिए जो हेड हैं वो कौन है? अजय कुमार सिंह हैं, ठीक है? सो देखो, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करती चलूँगी, ठीक है? सो यहाँ पर एक और चीज़ जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो ये है कि DRDO क्या है, ठीक है? सो DRDO से रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए जो कहाँ पर है, हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। अगर आपसे इसके डायरेक्टर जनरल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे यहाँ पर जी सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अवार्ड किसको दिया गया था? अजय कुमार सिंह को दिया गया था, जो लाइफ साइंसेज के लिए DRDO के हेड थे, ठीक है? सो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक ओबिट्यूरी से रिलेटेड अवार्ड। देखो, जब भी किसी की डेथ हो जाती है, अगर वो फेमस पर्सनैलिटी है, तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रदीप चौबे पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है? सो प्रदीप चौबे जी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी वो पोइट थे। ओके, सो वो क्या थे? एक पोइट थे। अब वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से लैंग्वेज के पोइट थे, ठीक है? तो आप बता देंगे वो हिंदी पोइट थे, ठीक है? यहाँ पर ये उनका जो इमेज है वो देख सकते हैं आप। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको बताना है ये समिट कहाँ पर होने वाली, कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ABCD में से आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है UAE, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या न्यूज़ में आया, UAE न्यूज़ में आया, कोई कंट्री है जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो यूए के स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। यूए जो है उसके कैपिटल और जो करेंसी है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। यूए की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, ओके, और करेंसी जो है इसका वो है दिरहम, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ से याद रख लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबमिट था क्या, इसको क्या बोला गया था, तो इसको AI Everything बोला गया था, ठीक है? सो इसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग। इसका जो एम था वो फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस और सोसाइटी से रिलेटेड था, ठीक है? सो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रख लेनी है। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब भी कोई कंट्री की बात होती है तो आप उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। आप कतर, सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? सो देखते हैं आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाटर पार्क हैज़ बिन इनोग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी।
इंडिया का पहला वाटर पार्क जो है उसको इनोग्रेट किया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी में इसको इनोग्रेट किया गया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम, ठीक है। सो गुरुग्राम में क्या है, हमारा पहला अब तक का वाटर पार्क जो है उसको इनोग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ये जो क्वेश्चन है वो पुलित्जर प्राइज़ 2019 से रिलेटेड है। देखो पुलित्जर प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर प्राइज़ जो 2019 के लिए हैं वो अभी अनाउंस हो चुके हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली के ऊपर हुआ था पूरा इन्वेस्टिगेशन, और इसके लिए कौन से इनमें से जनरल है जिसको अवॉर्ड दिया गया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उन दोनों को ही अवार्ड दिया गया है पुलित्जर प्राइज़ किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर हुई थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुई थी, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है जो पुलित्जर प्राइज़ जो है वो कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। सो अब अगर कैटेगरी पूछा जाएगा यहाँ पर तो आप बता देंगे यहाँ पर बेस्ट न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, बेस्ट मैगजीन्स जो होती हैं, ठीक है, या फिर कोई बुक हो सकती है, ठीक है। इन सारे चीज़ों के लिए पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, ठीक है। सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज इन द फिक्शन कैटेगरी। देखो पुलित्जर प्राइज जो इस बार दिए गए हैं वो काफ़ी सारी कैटेगरीज में दिए गए थे, तो आपको वो सारा पता होना चाहिए। आपसे यहाँ पर फिक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज कौन से नॉवल को दिया गया है, कौन सी बुक को दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है द ओवर स्टोरी, ओके। सो द ओवर स्टोरी जो है उसको पुलित्जर प्राइज दिया गया है किस कैटेगरी में, फिक्शन कैटेगरी में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओवर स्टोरी जो है उसके ऑथर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिचर्ड पावर्स जो हैं वो इसके ऑथर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक का पूरा इमेज आपके सामने है, द ओवर स्टोरी, इसके ऑथर का नाम है रिचर्ड पावर्स, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ और कैटेगरीज थी जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिक्शन कैटेगरी में दिया गया है द ओवर स्टोरी को। अगर आपसे पूछा जाएगा ड्रामा में, ठीक है, अभी तो मैंने आपसे फिक्शन में पूछ लिया, लेकिन अगर आपसे ड्रामा में पूछा जाएगा तो आप फेयर व्यू बता देंगे। अगर आपसे हिस्ट्री में पूछा जाएगा तो फ्रेडरिक डगलस बताएंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे हिस्ट्री का पूछा जाएगा तो आपको फ्रेडरिक डगलस जो है वो बताना है। पोइट्री में दिया गया है बी विद को, लेकिन उसके ऑथर का नाम भी साथ में आपको याद रख लेना, विच वॉज फॉरेस्ट जेनर, ओके। अगर आपसे म्यूजिक में पूछा जाएगा, म्यूजिक कैटेगरी में पूछा जाएगा, तो आप प्रिज्म बता देंगे, विच वॉज बाई एलन रीड, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको याद रख लेना है, इसके जो ऑथर थे वो कौन थे, रिचर्ड पावर्स थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम यहाँ से अपने। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक इनोग्रेशन किया गया है, ये आपसे स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला फॉरेन इंटरेक्टिव बर्ड पार्क जिसका नाम एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, यानी कौन से सिटी में लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी और आपको बताने में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। मुंबई में इनोग्रेट किया गया है क्या, हमारा एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क, ठीक है, वो क्या है, एक इंट्रैक्टिव बर्ड पार्क है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। देखो बात किसकी हुई है, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या है, बी, यानी मुंबई। मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। सो आपका काम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है मुझे कमेंट करके कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, ठीक है। सो इससे आपका जो रिवीजन होगा स्टैटिक अवेयरनेस का वो भी साथ साथ होता चलेगा, ठीक है। सो मूव करते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये है यूनेस्को या फिर इसको बोला जाता है गलिरमो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो है वो अवार्ड दिया जा चुका है। आपको बताना है इनमें से किसको दिया गया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से ये अवार्ड किसको दिया गया है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको आंसर के बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वासो ऊ एंड वालोनी। देखो वालोनी जो है वो मेन है यहाँ पर पर्सन जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और उनको जो हेल्प किया था वो इन जर्नलिस्ट ने हेल्प किया था, ठीक है। तो इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा, यूनेस्को या फिर गलिरमो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज बोला जाता है। अब देखो क्या होता है, वालोनी जो था उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, ठीक है, इंडियन मैसेकर जो था उसके ऊपर, ठीक है। तो इंडियन मैसेकर जो है उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था जिसके बाद उनको जेल भी हो गई थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, तो आपको याद रख लेना है वालोनी का नाम भी
और उनको ये प्राइज़ भी दिया गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई विच वॉज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताएंगे यहाँ पर मुझे, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है हमारे यूनेस्को का। एक और चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब मनाया जाता है, विच वॉज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd May, तो अभी सेलिब्रेट होना है ये 3rd May को, ठीक है। सो मूव करते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, ये वॉल लोने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये जो फोटो था, ये जो पिक्चर था, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो है वो फोटो किसने क्लिक किया था, वो फोटो है किसका, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आप हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मोरे जो हैं उन्होंने वो फोटो क्लिक किया था जिसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब वो जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये वो पिक्चर था जिसमें आप देख सकते हैं ये कोई डॉटर है, ठीक है। ये उनके मदर हैं और उनके मदर को कस्टडी में लिया गया है, और ये जो उनके डॉटर हैं यहाँ पर वो आपको रोती हुई दिख रही होंगी। तो ये जो पिक्चर है इसको दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, विच वॉज बाय जॉन मोरे, ठीक है। सो देखते हैं हम आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो इंडिया ने अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसका उसको डेवलप किया है, उसको टेस्ट फायर किया है। तो आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो उसका नाम है वो है निर्भया, ठीक है। सो निर्भया जो है ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर, और आप इसका इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको इमेज देख रहे हैं, ये निर्भय का इमेज है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अभी यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो हमने सोनिक क्रूज मिसाइल जो लॉन्च किया उसका नाम क्या था, निर्भय था। आपसे एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जा सकती है कि वो किस टाइप का मिसाइल है, तो आप बता देंगे ये जो था वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, ठीक है। सो निर्भय जो था वो हमारे सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने डेवलप किया, तो अगेन DRDO ने इसको डेवलप किया था। इसके अलावा अभी DRDO ने एक और चीज़ लॉन्च की थी पास्ट में, अगर आपको पता हो, जो काफ़ी न्यूज़ में थी, विच वॉज मिशन शक्ति, ठीक है। तो मिशन शक्ति भी किसका था, DRDO का था। निर्भय भी लॉन्च किसने किया, DRDO ने लॉन्च किया, और वो क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। सो DRDO के साइड इफेक्ट जो हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया एंड डेनमार्क साइंड एन अग्रीमेंट, इंडिया और डेनमार्क ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है, किस फील्ड में साइन किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। देखो जब भी इंडिया का किसी कंट्री के साथ अगर कोई अग्रीमेंट साइन होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेनमार्क जो है आपको बताना है उसकी कैपिटल क्या है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इग्नोर कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को, या फिर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। दोहा किसकी कैपिटल है ये आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। कोपेनहेगन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी डेनमार्क जो है उसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है। एक और चीज़ जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी करेंसी है तो उसका कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। कंट्री का कैपिटल और करेंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि डेनमार्क जो है इसका कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है, लेकिन इसकी करेंसी क्या है, वो है क्रोन, ठीक है। सो डेनमार्क जो है उसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है, करेंसी यहाँ पर है क्रोन, ठीक है। सो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाई एयरटेल एंड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन सेफ्टी। वीमेन सेफ्टी के लिए एयरटेल, भारतीय एयरटेल और फिक्की ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है, ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी माई सर्कल, ठीक है। सो माई सर्कल जो है वो एक टाइप का ऐप है जो वीमेन सेफ्टी के लिए है। लॉन्च किस किसने किया, एयरटेल ने लॉन्च किया और फिक्की ने मिलकर लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जिसका नाम क्या है, फिक्की है, ठीक है। सो फिक्की का आपसे क्या पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जो कहाँ पर है, हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर आपसे इनके चेयरमैन का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, रशीद शाह, ठीक है। सो रशीद शाह जो हैं वो क्या हैं, इसके चेयरमैन है फिक्की के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ऐप जो लॉन्च किया गया है वो माई सर्कल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप पूरा देख सकते हैं, ये इनोग्रेशन जब हुआ था तब का इमेज भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हमारा क्या है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है. देखो करंट अफेयर में आपसे अपॉइंटमेंट, वेन्यूज और करंट कैपिटल वगैरह जो है, करेंसी जो है, सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है. तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हुए हैं. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी. ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अलावा हेल्थ और सेफ्टी कमेटी जो है आपको याद रख लेना है. इसके जो हेड बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी बी के नायक. ठीक है, अब यहाँ पर आप बी के नायक जो है उनका इमेज भी देख सकते हैं. ओके, सो ये आप इमेज तो जो देख पा रहे हैं यहाँ पर वो बी के नायक है, ये आपको याद रख लेना है. ठीक है, तो इनका नाम क्या है, बी के नायक है. उनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के आगे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के हेड बनाए गए हैं, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई डील साइन हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, एक तो अमाउंट बताना है कमेंट करके, और आपको बताना है किसके साथ डील साइन हुई है. तो क्या हुआ है, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेटर है हमारा, जिसने विबमो एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है, उसको अक्वायर कर लिया है. तो आपको बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, क्या वो फ्रीचार्ज है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, या फिर पेयू है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पेयू. देखो क्या होगा, आपसे एक तो सीधे पूछ लिया जाएगा कि पेयू ने किसको एक्वायर किया है, तो आप बता देंगे विबमो जो है यूएस बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है उसको एक्वायर कर लिया है पेयू ने. आपसे एक और चीज़ यहाँ पर जो पूछा जाएगा, अमाउंट, तो कितने अमाउंट में एक्वायर किया है, तो आपको बताना है यहाँ पर 70 मिलियन में एक्वायर कर लिया है. ठीक है, सो ये जो अमाउंट है ये भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. मूव करते हैं आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगेन आपका स्टैटिक में भी आपसे पूछा जा सकता है. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 जो हमारा मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए. उसका जो थीम था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी. ठीक है, सो आपको पता है काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज होती हैं, लेकिन इस बार का जो थीम था, इस बार का जो फोकस था वो फूड एलर्जी के ऊपर था. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. अब आपको पता ही नहीं होगा कि वर्ल्ड एलर्जी वीक जो है वो कब मनाया जाता है, तो थीम याद करना तो बात की बात है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक क्या मनाया गया था, हमारा वर्ल्ड एलर्जी वीक बनाया गया था. ठीक है, सो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन बोट, वर्ल्ड का पहला ड्रोन बोट. ड्रोन बोट का मतलब है वो एक ऑटोमेटिक बोट है जिसको किससे सैटेलाइट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा. उसका नाम भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप मराइन लिजर्ड बता देंगे. ठीक है, सो मराइन लिजर्ड जो है वो एक ड्रोन बोट है और उसको इनॉग्रेट किया है चाइना ने. ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है चाइना. अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है जापान, चाइना एंड रशिया की कैपिटल एज वेल एज करेंसीज. ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताने हैं. ठीक है, इसका इमेज आपके सामने है. यहाँ पर देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए सिंगापुर ओपन 2019 जो था वो क्या, किससे रिलेटेड था, बैडमिंटन का था. इट वॉज़ अ बैडमिंटन ओपन. ठीक है, सो सिंगापुर ओपन 2019 जो है वो खत्म हो चुके हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि मैन सिंगल टाइटल जो है वो इनमें से किसने जीता है. आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैंटो मोमाटा. ठीक है, सो कैंटो मोमाटा जो है उन्होंने जीता मैन सिंगल टाइटल कहाँ पर, सिंगापुर ओपन में. सिंगापुर ओपन कहाँ पर हुए थे, सिंगापुर में ही हुए थे. कौन से गेम से रिलेटेड हैं ये, बैडमिंटन से रिलेटेड थे. ठीक है, आपसे एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि कैंटो मोमाटा जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है. तो आप बता देंगे जो कैंटो मोमाटा हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं. ठीक है, सो ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले ये आप इमेज देख सकते हैं, ये कैंटो मोमाटा है. ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है. Who won women's single title in Singapore Open 2019? देखो मैन सिंगल मैंने आपको बता दिया है कि केंटो मोमाटा जो है उन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता है जो जापान से हैं. विमेन सिंगल टाइटल जो है वो आपको बताना है इनमें से किसने जीता है. तो यहाँ पर जो रनर अप रही यानी जिनको हराया गया, जिनको बीट किया गया, उनका तो नाम है नोजोमी ओकुहारा, लेकिन ये जीता किसने है, ये जीता है ऑप्शन नंबर डी यानी ताइपी ताइजू यंग ने. ठीक है, सो आपको क्या याद रख लेना है यहाँ पर.
आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है विमेन सिंगल का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ताइपी ताइजू येंग याद रखना है. इन्होंने किसको बीट किया, इन्होंने नोजोमी ओकुहारा जो है उनको बीट किया. अब देखो दोनों ही जो हैं उनका कंट्री आपको पता होना चाहिए. ताइजू येंग जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो चाइना से बिलोंग करती हैं. इसके अलावा नोजोमी ओकुहारा हैं वो जापान से बिलोंग करती हैं. केंटो मोमाटा कहाँ से थे, वो भी जापान से थी, लेकिन उन्होंने तो मैन सिंगल टाइटल जीत लिया. लेकिन नोजोमी ओकुहारा जो जापान से थी वो रनर अप रही, यानी वो नहीं जीत पाई हैं. जीता किसने, ताइपी ताइजू येंग ने जीता है. ठीक है, तो आज हमने आज के क्लास में हमने टोटल 18 क्वेश्चन किए. आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि 18 में से कितने क्वेश्चन जो थे वो आप ठीक कर पाए हों. देखो डेली जो करंट अफेयर आता है वो डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना जरूरी है. उसके बाद अगर आप रिविजन करना चाहते हैं प्रीवियस डे का तो आप इन क्विजेज के थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद रहे. ठीक है, सो आपका काफी अच्छा रिवीजन, आई होप कि आज की क्लास से हो गया होगा. अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं. आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.